हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गंगा सागर ब्लॉग्स। और देख सकते हैं आज छुट्टी का दिन है, वीडियो बनाने को तो मन था नहीं, लेकिन ऐसा बारिश को देखकर जो है मन रहा नहीं गया। और आज मैं आराम कर रहा हूँ, सुबह से ही आराम कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का भी। तो देख सकते हैं कैसी बारिश आ रही है रुद्रपुर में, देखिए झमाझम बारिश आ रही है। आज मौसम बहुत अच्छा है और आज तो गर्मी भी नहीं है, और देख सकते हैं मौसम का नज़ारा। सभी लोग मौसम का आनंद लेते हुए, मैं भी थोड़ा बाहर आ गया इसलिए मौसम का आनंद लेने के लिए। संजू भाई की हमारे नाइट ड्यूटी है, वो सो रखा है, तो मैं उसको जो है अभी बना के उठाता हूँ, थोड़ी देर में खिला दूँगा, और उसके बाद हम जो है खाना ना खाते हैं बनाने के बाद, देखते हैं क्या होता है आगे का। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज गंगा जी और मेरी चारवी जो है आज कहीं गए हैं, टूर पर गए हैं, लंबे टूर पर। तो आज से अब मुझे ही जो है काम करना पड़ेगा, और खाना पीना सब अपने लिए और अपने साले के लिए खुद बनाना पड़ेगा। तो जो है मेरे को गोलमोल घुमाकर दिखाने की आदत है नहीं, मैं जो है रियल दिखा रहा हूँ। देखो अभी सारे बर्तन धोने हैं, ये सब जूठे बर्तन पड़े हैं, और यहाँ मैं बना रहा हूँ देखो खिचड़ी, यानी कि लौकी की खिचड़ी बना रहा हूँ। लौकी डाल के प्याज और देख सकते हैं अभी मेरे को बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के बाद दोस्तों, आज रुद्रपुर का मौसम आप देख सकते हैं कितना डरावना और ख़तरनाक बरखा, देखिए। और आज फिर लग रहा बारिश आएगी, अभी कल तो बड़ी भयानक बारिश आई थी यहाँ पे। और हमारा एक मित्र यहाँ पे जो है बीड़ी पीते हुए, और मित्र का बीड़ी दिखाऊंगा नहीं मैं, इसकी घरवाली इसको जो है मारेगी नहीं तो कूटेगी, सगर इसको दिखाऊंगा नहीं मैं, नाम ही नहीं बता रहा हूँ। अरे हंस दे एक बार ज़रा। हाँ फिर बीड़ी पी रहा है तो साले इस कमरे इतना कि हंसेगा नहीं करके, इसकी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि अभी ये बीड़ी पी रहा है ना। वैसे एक झलक दिखा देता हूँ, इसी जगह घर वाली इसकी रात को कुटाई करे। बीड़ी पीता है यहाँ पे है, नाम तो खैर लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ मैं भी, खाली बेचारे का जो है कुटान हो जाएगा। छाताएँ निकल गई है लोगों की, अब देखिए बाहर कोई नहीं दिखेगा इस समय, और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का भी, चारों तरफ झमाझम बारिश आ रही है, और देख सकते हैं बारिश का बहाना है।